सारे स्टेट्स में शायद अभी देने की स्थिति नहीं है, जहां बड़ा नंबर है जैसे राजस्थान का तो बहुत बड़ा नंबर है, तो हमको उस रेल की सुविधा प्राप्त हो जाएगी स्पेशल ट्रेन की। दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल इंडिया नंबर वन इमर्जिंग स्कूल, जहाँ है एकेडमिक्स, स्पोर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स का बेहतरीन कॉम्बिनेशन। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्री नर्सरी टू नाइन्थ। आज काफ़ी लंबी चौड़ी मीटिंग हुई थी और कई तीन डिपार्टमेंट्स के उसमें बेसिकली प्रेजेंटेशन भी थे, तो मेडिकल और होम और इसके अलावा लेबर के बारे में ACS इंडस्ट्रीज़ का, तो कई मुद्दों पर जो चर्चा हुई उसमें ये कि जिले वाइज भी उसमें पूछा गया था, डिवीज़न वाइज भी पूछा था, तो हमने दो तीन चीज़ें यहाँ से विशेष रूप से डिमांड करी थी। कलेक्टर साहब ने उनको आग्रह किया कि एक तो यहाँ से कुछ ट्रेन स्पेशली चलाने के लिए पश्चिमी बंगाल, झारखंड और आंध्रा वगैरह के लिए, तो ये जायरीन हैं या इस तरह के हैं ना, तो उनको बाहर भेज सकते हैं, तो वो उस पर अभी क्या निर्णय होना है वो अभी बाद में पता लगेगा। इसके अतिरिक्त ACS होम का ये कहना था कि हमने जो लॉकडाउन में कुछ छूट दे रखी है उसमें कई जगह क्या है कि वो पूरी चीज़ें क्लियर नहीं हो रही, फैसिलिटेट नहीं हो रही है कि भाई कोई आदमी इंडस्ट्री चलाना चाहता है तो उसके बाद वो कोई लेबर है वो उसको पास बनाना पड़ेगा तब जाके वो चालू होगा, कोई ग्रामीण क्षेत्र में जाना चाह रहा है तो उसके थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि बहुत सारी शिकायतें पास की आ रही है, तो उसमें भी अब कलेक्टर साहब साथ में ही हैं, तो एक बार रिव्यू करेंगे और बैठ के और संबंधित जो अधिकारी हैं या पुलिस अधिकारी उनके साथ कि पास है ना वो स्मूथली रहे, नहीं तो जो अपने छूट दिए ना उसका कोई मतलब नहीं रहता है और वो उसको उल्टा इरिटेशन होता है कि नहीं ये छूट तो दिए लेकिन मेरे को काम नहीं करने दे रहे, तो एक इस बिंदु पे बात हुई। इसके अलावा मेडिकल के जो बिंदु है उसमें ये था कि लॉन्ग टर्म प्लान करके हमें आगे देखना पड़ेगा कोरोना के लिए कि ये कब तक चलता है, क्या होता है, वो तो भविष्य के गर्भ में, तो चेकिंग के जो हैं टेस्टिंग के सेंटर हैं, पहले डिवीज़न जो हेडक्वार्टर थे वहाँ के जो मेडिकल कॉलेज थे वहाँ था, कई ज़िले हेडक्वार्टर पे भी अभी हो चुका है और हो सकता है भविष्य में आगे हर ज़िले पे ये टेस्टिंग की सुविधा हो और आगे जैसे टेस्टिंग कार्य चलता रहेगा ये थोड़ा सा आगे तक लंबा अनवरत काम है। इसके अलावा नरेगा की बात हुई कि जैसे पिछले साल काफ़ी सारी लेबर इस वक्त तक काम कर रही थी तो अभी एक विकल्प नरेगा का बचा है लोगों को रोज़गार देने का, तो उसमें अभी जैसे राजस्थान में 10 लाख लेबर हैं और पिछली बार इस साल तक 28 इस महीने तक 28 लाख के करीब थी, तो ये है कि उसको बढ़ा के वहाँ तक किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिले और वो हताश भी नहीं होंगे और उनमें काम भी मिल जाएगा और वो उसमें बिजी भी रहेंगे, इन सब बातों पे बात हुई। ट्रेन को लेकर यहाँ से मांग की गई है या फिर वहीं से तो नहीं? वहाँ से तो मांग तो हमने की है, कलेक्टर साहब ने आग्रह किया है, लेकिन अभी उस पर क्या निर्णय होना है वो पता लग जाएगा, तो अगर हो जाता है तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि हमें बसों में इसमें लंबी दूरी में हम किसी को भेज नहीं सकते, भेजते तो बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता है और वो आदमी भी परेशान हो जाएगा, अगर ये हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। अब तक क्या व्यवस्था की गई है सब जो जायरीन जा रहे हैं? नहीं, अभी तक तो करीब 500 जायरीन को भेजा है, 4000 में से 3500 बाकी हैं, तो वो तो बसों से रवाना किया है। किसी राज्य से अनुमति की बात आ रही है तो राज्य अनुमति नहीं? नहीं, राज्य में तो ये हुआ था कि भारत सरकार ने गाइडलाइन जैसे कल जारी की थी कि लेबर और दूसरे जो स्टूडेंट्स हैं कोटा के या जायरीन हैं धार्मिक स्थलों पर अटके हुए यात्री हैं तो वो दूसरे राज्य में जा सकते हैं, ये है कि दोनों राज्यों की आपस की सहमति ज़रूरी है, बिना सहमति के वहाँ भेज नहीं सकते और सहमति में भी पूरी तरह बात करके प्लान बना के और कितने आदमी आएंगे और कितने वहाँ जाएंगे और किस किस ज़िले से जाएंगे, कहाँ से बॉर्डर से होकर जाएगा, उनको कैसे चेक करेंगे, वो पूरी चीज़ प्लान आउट करके तब जाके भेजेंगे उसको। अभी तक भेजने का और नहीं, भेजने का चल रहा है, अभी हमने बहुत सारे लेबर जो हैं वो जैसे विद इन स्टेट है राजस्थान के भीतर जो शेल्टर में होम में रह रहे थे वो तो हमने सब करीब करीब खाली करवा दिए और जो MP के हैं लेबर वो भी राजस्थान से गए हुए हैं, पंजाब हरियाणा के भी गए हैं और बाकी और राज्यों की एक बार सहमति बन रही है, जैसे UP की सहमति बन रही है और आगे की भी औरों की भी बनेगी, तो प्लान करके और उनको भेजते रहेंगे।